की बात कहाँ से आप बोल रहे हैं? वो तो आरक्षण की बात करने वाले लोगों में से है, वो तो जाति आधारित गणना कराने वाले लोगों में से है। तो जो लोग दो तरह की बात बोलते हैं उनको देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। अगर सचमुच आपके द्वारा जो बात बताई जा रही है और इस तरह की बात बोल रहे हैं तो देश की जनता उसको कभी माफ नहीं करेगी। धन्यवाद। बोलिए भैया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका एक वीडियो है पैर पे गिड़गिड़ाते हुए। आज जोर बनाकर दो दो बार उनको लगा था, वापस आ गए तब आए थे, तब हम लोगों को रखा था। देखिए, नीतीश कुमार जी पर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो अभी तक हमला नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार जी पर बिहार के लोगों का अटूट भरोसा है, विश्वास है, और उन्होंने जो काम किया है बिहार की जनता के लिए, बिहार की जनता का भी अटूट समर्थन, अटूट प्यार, अटूट मोहब्बत उनके प्रति है। और जब तक नीतीश कुमार जी का बिहार में शासन है और आने वाले 2025 की जो चुनौतियां हैं उसका भी बिहार की जनता सामना करके नीतीश कुमार जी को अपनाएगी, और इधर उधर की बात कहने वाले लोग के बारे में सबको मालूम है कि उनको जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको राजगद्दी चाहिए, कुर्सी चाहिए, और कुर्सी के लिए जो लोग व्याकुल है उनको बिहार की जनता भली भांति जानती है। तो मंत्री जी क्या लगता है कि आपको, मंत्री जी क्या लगता है आपको कि सीएम नीतीश किसी के पैर पे गिड़गिड़ा सकते हैं? इतिहास है, नीतीश कुमार जी तो एकदम जहां है वहां पर खड़े हैं, कोई लोग आते हैं कोई लोग चले जाते हैं। अब जो आते जाते रहते हैं उनसे पूछो क्यों उनसे मिलते हैं, क्यों आते जाते रहते हैं, उनसे पूछिए कि नीतीश कुमार ने के अंदर जो खूबी है, खासियत है, और बिहार की तरक्की के लिए, बिहार में अमन और शांति के लिए जो उन्होंने काम किया है, जिनको पसंद है वो नीतीश कुमार जी के साथ रहते हैं, और जिनको पसंद नहीं है, जिनको कुर्सी प्यारी है, वो अपना इधर उधर की बात करते हैं। राहुल गांधी जो है विदेश दौरे पर कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। नहीं, लोकतंत्र तो तभी आ सकता है जब राहुल गांधी की कुर्सी पर बैठेंगे। दूसरे लोग बैठते हैं तो खतरा तो पैदा ही होता है, लेकिन जब देश की जनता उनको पसंद नहीं करती है तो पहले तो देश की जनता का ठीक से खिदमत करें, देश की जनता को अपनाने की कोशिश करें, और इधर उधर की बात बगैर कहे हुए जो जनता के दुख और सुख में शामिल हो जाएंगे तो हो सकता है भविष्य में उनके बारे में भी जनता कभी सोच सकती है। कोलकाता कांड पे डॉक्टर को जो है अल्टीमेटम दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से, बाद वो डॉक्टर जो है धरना पे बैठे हुए हैं, मिलने के लिए तैयार नहीं थे, वहाँ इलाज की समस्या बहुत तरह से दिक्कत आ रही है। देखिए, न्यायालय के निर्णय का सबका सम्मान करना चाहिए, और अगर अभी तक न्यायालय का निर्णय का सम्मान नहीं हो रहा है तो जो न्यायप्रिय लोग हैं उनको निश्चित रूप से न्यायालय के निर्णय का सम्मान करके राज्य और देश के हित में काम करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।